अभी तक हमने ये जाना है कि एक चर वाला समीकरण हल करने का मेथड क्या होता है। हमने ये जाना कि एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी को एक्स बराबर बी सी माइनस बी बटा ए के रूप में कैसे लिखते हैं। यहाँ से यहाँ आने के लिए हमने दो स्टेप का प्रयोग किया था, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, हमने देखा था कि बी को हम पहले उधर ले गए थे, ए एक्स बराबर सी माइनस बी, और अगले स्टेप में हमने क्या देखा कि ए को हम इसके नीचे ले आए, यानी इस तरीके से हमने लिखा, ठीक है। तो ये जो दो स्टेप हैं इनका प्रयोग करके, और एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल पहले देख चुके हैं, और हम थोड़ा सा एग्जाम्पल करते हैं। आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अच्छा, हम ये पहले देखते हैं कि ये एक चर वाला समीकरण है। हाँ है, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा वेरिएबल है जिसका मान हमको नहीं पता है, बाकी इसमें हर चीज़ का मान पता है, ठीक है। यानी x का मान हमको नहीं पता है और हम इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने का क्या मतलब हुआ कि हमको x का मान हमको निकालना है। अब x का मान कैसे निकालेंगे, हम ये देखेंगे कि ये ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी की तरह ये दिख रहा है। एक्स की जगह पे एक्स है, ए की जगह पे 3 है, बी की जगह पे 4 है, सी की जगह पे 8 है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हल करने के लिए हम इन इन दो स्टेप्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो बी की जगह पे है, यानी जो +4 है जिसमें एक्स नहीं लगा हुआ है, उसको हम बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे, यानी 3x के साइड से दूसरे साइड में ले जाएंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 कर देंगे। 4 यहाँ पे प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x के साथ 3 का गुणा किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 3 को भी उधर ले जाना है तो हम 3 से भाग दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ए को यहाँ पे नीचे ले आए थे तो हम यहाँ पे 3 को यहाँ के नीचे ले आएंगे, यानी एक्स बराबर 8, इसको हम पहले उतार लेंगे और फिर इसके नीचे लिख देंगे बटा करके, ठीक है। अब हम इसको हल कर लेंगे थोड़ा सा। तो 8 माइनस 4 होता है 4 बटा 3, तो हमारा जो x का मान आ गया कितना आया, 4/3, ठीक है। एक और फटाफट एग्जाम्पल करते हैं। फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 11, ठीक है। हम देखते हैं कि ये वाला इक्वेशन भी ए एक्स प्लस बी बराबर सी की तरह दिख रहा है, ठीक है। एक ए की जगह पे 5 है,
बी की जगह पे 6 है, दिस इज 6। सी की जगह पे 11 है, तो हमारा इसी तरीके से है। तो हम इसको भी हल करने के लिए इन दो स्टेप्स का हम प्रयोग करेंगे। तो पहला ही स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 6 को हम बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे, एक्स के दूसरे साइड में, यानी जिस साइड में एक्स है उसके अलग साइड में। तो हम क्या करेंगे कि 5x = 11 - 6। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 को नीचे ले आएंगे, x = 11 - 6/5। इसको हल कर लेंगे तो 11 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, बटा 5। इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी x = 1 आ गया। इसी तरीके से हम एक चर वाले समीकरण को हल करते हैं। आगे हम और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पे माइनस लगा के नहीं देखा है, तो कुछ माइनस वाले एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि 2x - 3 = 5। कुछ एग्जाम्पल्स और हम ये इस तरीके के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, 2x + 3/2 = 1। इसमें x का मान निकालना, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आ गया यानी भिन्न आ गया, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा एक आध स्टेप और बढ़ जाएगा। तो आगे हम इन सवालों को कैसे हल करेंगे वो हम देखेंगे।